ये जी किला रोहतास हम पहुंच चुके हैं, इस वक्त एंटर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं किला रोहतास, शेरशाह सूरी के दौरे हुकूमत का शाहकार, इस्लामी फ़न तामीर का अजीम नमूना। किला रोहतास 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। 1955 में 4 साल के अरसे में 3 लाख मज़दूरों ने ये किला तामीर किया। आज हम इसके मुतल्लिक आपको बताएंगे और आएँ आपको इसका जो विज़िट है वो करवाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस वक्त। ये अभी जहाँ पे मौजूद हैं हम, इसको असला खाना कहते थे। यहाँ पे जंगी साजो सामान ज़खीरा किया जाता था और ये जो मेन दीवार है उसके नीचे मुख्तलिफ़ तहखाने बनाए गए हैं। यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये एक ऊंचाई पे, ख़ास ऊंचाई पे मौजूद है और यहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर मेन दीवारों पे जाते थे लोग। और मेन दीवारें ऊपर, मेन उसके ऊपर आगे मेन बाउंड्री लाइन, डिफेंस लाइन मौजूद हैं जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, देख सकते हैं। ये जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं ये उस ऊंचाई से अगली ऊंचाई है, यानी स्टेप बाय स्टेप डिफेंस लाइन बनाई गई थी। ये ऊंचाई उस दीवार से पहले एक ऊंचाई है जहाँ पे सिपाही नीचे अपने साजो सामान, हथियार और डिफेंस लाइन के पीछे कुछ लोग खड़े होते थे। और वो उससे व्यू अंदर का भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस वक्त मंजर पेश कर रहा है। और इसी के साथ आपको सामने लेके चलते हैं जो बिल्कुल डिफेंस लाइन, आप देख सकते हैं जहाँ इस वक्त मौजूद हैं। ये किले की बड़ी दीवारें हैं और ये इसकी बैक साइड है। कितनी ऊँचाई पर मौजूद है, ये इसकी बैक साइड है जहाँ पर आप देख सकते हैं टीले हैं, पहाड़ियाँ हैं, जंगल टाइप मौजूद है। लेकिन कितनी गहराई में है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ सिपाही ऊपर खड़े होते थे उस वक्त में और ये डिफेंस लाइन समझी जाती थी। कितने ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करके लोग किस तरह डिफेंस लाइन मजबूत करते थे वो आपका नज़र हो रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू, ये दीना सिटी छोटा शहर जो है ऐसी वो भी नज़र आ रही है। कोर्ट एरिया जहाँ उसकी अदालत वगैरह लगा करती थी। ये बाजी सामने गेट आप देख रही है ना, अंदर वाला हिस्सा तो मैंने आपको दिखा दिया। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, तारीख इसके मतलब ये बता रही है कि उस दौर में यहाँ कोर्ट का सारा सिस्टम हुआ। वो टॉप पर एक चबूतरा सा बना गया है, वहाँ उसका जज बैठता था, काजी। और नीचे ये जितनी ओपन जगह देख रहे हैं, यहाँ सब पब्लिक वगैरह बैठा करती थी। अच्छा, आप देखते होगे अभी भी, आप अर्तुगरुल या मुख्तलिफ ड्रामे देख रहे होगे, तो अब आप देखते हो कि जब सिपाही एक दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करते थे ना किलों को फतह करने के लिए, तो उससे जो तीर अंदाज खड़े होते थे ऊपर, तो वो आप देखें डिफेंस लाइन किस तरह है। ये तीर अंदाजों की जगह है, इसी तरह ये जहाँ से पानी फेंका जाता था ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। तो यानी डिफेंस लाइन देखें, ये उस वक्त की बात है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि मशीनें और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी इस तरह डिफेंस किया जाता था। अच्छा, ये देखें इस वक्त हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त के लोग कितने मजबूत हुआ करते होंगे जो पहाड़ों पे इस तरह इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां बनी हुई हैं। और यहाँ पे आम हम स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो ये थक जाते हैं, लेकिन उस वक्त आप देखें कि कितने लोग वो मजबूत हुआ करते थे। इसलिए आज के आप नौजवान को देखें तो वो कितना, उससे ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। और वो देखें किस तरह ऊपर पहाड़ों के ऊपर वो बना हुआ है मकबरा टाइप, वहाँ पर भी इसी तरह सीढ़ियाँ हैं। तो कोई लिफ्टों का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उस वक्त इस तरह आप सीढ़ियों से ऊपर आते थे। ये जहाँ पे मौजूद है इस वक्त शाही किला के अंदर जो किला रोहतास है, तो यहाँ पे ये फांसी घाट था, यानी यहाँ लोगों को उस वक्त फांसी दी जाती थी। ये आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से लोग जो फांसी देते थे यहाँ से उनको गिरा दिया जाता था। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह की खौफनाक, और बिल्कुल टॉप पे है, यानी कि किले के दीवारें जो हैं वो कितनी ऊंचाई पे हैं, फिर उसके अंदर ये टॉप पे बनाया गया है एक तरह से लोगों को इबरत बनाने के लिए। हाँ जी, ये जहाँ मौजूद हैं, जहाँ आपको फांसी घाट दिखाया है, तो ये यहाँ पे लोगों को नीचे से निकाला जाता था। ये आप ज़रा देखें, यहाँ ऊपर हैंग किया जाता था और वहाँ से जो लोग थे यहाँ पे नीचे, जो एक आप कह लें मुर्दा सूरत में, यहाँ पे नीचे उस डेड बॉडी को यहाँ से मूव किया जाता था। एक खौफनाक मंजर है और आज तक इसकी दास्तान, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं रूहें आज भी मौजूद होंगी
ये जितना पुराना किला है, यानी दरो दीवार वही हैं जो उस वक्त मौजूद थे, और इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं ये यहाँ पे। जी अब इस वक्त मौजूद हैं, ये कौन सी जगह है सर? इसका नाम है हवेली राजा मान सिंह। अच्छा, हवेली राजा मान सिंह की हुकूमत जब फिनिश हो चुकी तो मुगलिया दौर जब चला ना अकबर बादशाह, तो ये वाली जो बिल्डिंग है उसके मशहूर जर्नल अच्छा राजा मान सिंह के नाम से ना, वो इस फोर्ट का कमांडर भी रहा है। अच्छा, तो उसने अपने कमांड के लिए इस अपने हवेली को बनवाया था, पूरे फोर्ट की वो देखभाल हिफाजत के लिए, यानी रिहाइश थी उसकी। जबरदस्त, चले आगे। ये आप देखें कैसी तारीखी खूबसूरत जगह है जहाँ से हम ऊपर मूव कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो, यानी हर जगह सीढ़ियाँ हैं, उस वक्त तो लिफ्ट वाली सूरत हाल तो नहीं होती थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने मजबूत हुआ करते थे जिस्मानी तौर पर राजा मान सिंह का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इसका टॉप है, यानी यहाँ पर वो रिहाइश पज़ीर होते थे, और पूरा शहर ऐसे लगता है यहाँ व्यू जो पूरा है ना शहर का वो नज़र आता है यहाँ पर। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, पूरे शहर का व्यू, पहाड़ियाँ, उसके अलावा सब्ज़ा है हर तरफ। यहाँ पे जो मौजूद हैं हम, ये टॉप पे है राजा मान सिंह जो है उसकी ये रिहाइश थी, और ये आप देखें इन्होंने कैसा कम्बाल एक तरह से डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ था, कितना बड़ा किला है, उसकी दीवारें कितनी बड़ी हैं, फिर उसके अंदर डिफेंस लाइनें किस तरह बनाई गई हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्योंकि कोई 100 साल की बात है पुरानी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारा पत्थर का काम हुआ हुआ है, और बर आज़म एशिया, यानी जैसा कि आपको पता है कि ये सबसे बड़ा फोर्ट समझा जाता है, किला समझा जाता है, तो इसकी दीवारें इतनी ही बुलंद थी, इतना ही पायदार था, जो आज तक तारीखी मकाम मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो हैं घूमने फिरने आए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ दोस्त मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? दीना से आए। अच्छा, दीना से ही हैं, इधर से ही हैं। सही है, सही, ज़बरदस्त। यानी दो लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बग़ैर बशीडों के ये मज़दूरों ने काम किया, यानी मिस्त्री थे, मैमार थे, उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज से इसको बनाया। और ये एक तरफ इस यहाँ पे ये भी कुछ मौजूद है, एक तहखाना टाइप बना हुआ है। हाँ जी, इस वक्त अब ये बादशाही मस्जिद वो मौजूद है जो किला रोहतास के अंदर है। आप यहाँ बंसर देख रहे हो के कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, यानी कि उस वक्त के जो मेहमान बग़ैर मशीनों के अपने हाथ से आर्किटेक्ट करते थे, आप अंदाज़ा लगाएं कि उस तारीख में अभी तक यहाँ पे तारीख के नक्श पवस्त हैं। यहाँ देखें ज़रा, ये ऊपर अगर दिखाए, ये मेहराब है, और यहाँ पे अभी तक अल्लाह के नाम और वो जो नक्श किए गए चीज़ें मौजूद हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त, ये दीवार बड़े मौजूद है यहाँ हमारे सामने, डिफेंस लाइन लास्ट वाली जो होती है, तो ये सामने ऊपर सिपाही मौजूद होते थे जो आप देख रहे हैं मूर्ति हैं इस वक्त, वो वहाँ जो हमारे दोस्त बैठे हैं ताज मुस्तफ़ा और दानिश भाई ऊपर बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। नीचे आपको एक कमाल की चीज़ दिखाते हैं, जैसे ये डिफेंस लाइन पर बैठे हुए हैं इसी तरह हम नीचे रेस्ट करने के लिए यहाँ जो सिपाही मौजूद होते थे, वो देखें ज़रा कैसी ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर। ये देखें ज़रा कैसे कमाल, यानी इंसानी तख्लीक है ना, इंसान कैसे सोच की चीज़ें बनाता है, ये ज़रा देखें। यहाँ पे वो रेस्ट करते थे, यानी सेकंड मोर्चा आप कह सकते हैं सिपाहियों के आराम करने की जगह। और देखें हर जगह नक्श बने हुए हैं, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अब ये देखें कितना प्यारा व्यू, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पर काबली गेट मौजूद है, यानी ये मेन गेट था इस तरफ से, और फिर ये आप देख सकते हैं किले का
ये दरवाज़ा है जहाँ पर डिफेंस लाइन मौजूद है, और डिफेंस लाइन में भी दो दो तीन तीन डिफेंस लाइन मौजूद है। इस तरह खूबसूरती से, कितनी मजबूती से, और कितने ये किले मजबूत होते थे। लेकिन फिर भी इंसानी तारीख है, तारीख के साथ चीज़ें मिट जाती हैं। आज लोग इसको याद कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, वक्त के साथ ये चीज़ें जो हैं वो नायाब हो जाती हैं, और हम जैसे लोग यहाँ आके तस्वीरें बनाते हैं और उस तारीख के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये मौजूद हैं इस वक्त हम कुएं के पास, आप देख सकते हैं ये रोहतास किला जो है उसका कुआं है, अभी भी इसके अंदर पानी है, बहुत ज़्यादा गहराई में है, और यहाँ पानी अभी भी मौजूद है इंतहाई गहराई में, यानी देखना ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा है देखने से ही। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ज़मीन की किस सतह से पानी ये लोग ऊपर ले कर आते थे। ये जो आपको यहाँ हमने कुआं दिखाया है, अब ये उसकी गहराई में ज़मीन से जहाँ से पानी आता है, अब यहाँ हम नीचे जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी गहराई है और किस तरह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये उसी वक्त की जो नक्श हैं, आपको पूरी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है और जो पूरा स्टाइल है ये उसी वक्त का है, उस वक्त से मौजूद है। लेकिन गहराई देखें, ये हम अब चलते हुए कितनी सीढ़ियाँ हैं, आप अंदाज़ा लगाएं अगर कोई बाल्टियों के ज़रिए या किसी उस वक्त के जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी अगर उनके ज़रिए वो पानी लाते थे तो ये कितनी ताकत चाहिए होती थी इन चीज़ों के लिए। अभी यहाँ पे आप देखें एक बड़ा अजीब मंजर, सामने कितनी खूबसूरत लग रही है, यानी सामने वाला मंजर देखें, कैसे उन्होंने, कोई मशीनें नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप ज़रा तसव्वुर करें उस दौर में जाके कि किस तरह उन्होंने गहराई में यहाँ पे चीज़ें बनाई, और कितनी मजबूत चीज़ें कि कई सौ साल गुजर गए लेकिन आज तक वो चीज़ें मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं कितनी गहराई, यानी मैं यहाँ, मुझे अभी आप कितनी सीढ़ियाँ उतरते हो गया होगा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, तो अभी तक हम गहराई में जा रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाएं वो सामने पानी खड़ा है, अब ये पानी का मंजर है जहाँ हमने आपको कुआं दिखाया था, इस तरह यहाँ पानी सेव किया जाता था। और ये आप मिट्टी देख सकते हैं आप, ये नीचे मौजूद है, यहाँ तक हम मौजूद हैं, ये आपके सामने सारा मंजर पेश हो रहा है किस तरह यहाँ पे मौजूद है। और ये खौफनाक वैसे तो एक मंजर पेश कर रहा है अभी जिस सिचुएशन में है, लेकिन ये आपको कम लोगों ने दिखाया होगा, हो सकता है आपने पहले ना देखा हो, क्योंकि आप बहुत सी खवातीन बच्चे, ये ऊपर ज़रा मंजर देखें कैसा खूबसूरत मंजर है ये, यानी इंसान की तख्लीक है और इंसान ने किस तरह इसको मेहमानों ने इसको बनाया। और फिर आप देखें ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अब यहाँ ऊपर हम जा रहे हैं तो कितनी खूबसूरती है, आप इस वीडियो को कवर करें ज़रा, दीवारें जो हैं उसी वक्त की जो है ना वो पत्थरों की बनी हुई हैं, और सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ के हम नीचे आए हैं। अब जो ऊपर खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन हैरानगी की बात ये है कि इतने ही मजबूत लोग हुए करते थे उस वक्त, पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, इतनी ही मजबूत चीज़ें हुई करती थीं कि आज तक तारीख में ये चीज़ें ज़िंदा हैं और इसी तरह मजबूती के साथ खड़ी हैं। अगर इनको हुकूमत तवज्जो दे तो ये मज़ीद कई सौ साल तक इसको हम आगे ले जा सकते हैं अगली नस्लों तक, ये हमारा एहसास है। हाँ जी, आज हम जहाँ पे ज़िप लाइन पे जो है ना वो मूव करने लगे हैं, दानिश मेरे साथ है, ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, आज ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा, और ये है मूव कर रहे हैं इस वक्त हवाओं में ऐसे जैसे परिंदे उड़ रहे होते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे लग रहा है जैसे परिंदे हवा में प्रवास करते हैं ऐसे ही इंसान प्रवास कर रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त महसूस कर रहा है, यानी कि हवा के साथ इंसान का सफ़र करना और ऊंचाई से एक गहराई की तरफ जा रहा हूँ इस टाइम, मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, मैंने लोगों को ज़िपलाइन करते हुए देखा, लेकिन आज क्योंकि हमें मौका मिला ऐसी सिचुएशन का, तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ खौफनाक चीज़ है कि मैं उल्टा हो गया हूँ इस टाइम, मैं बैक साइड से, यानी फ्रंट साइड मेरी दूसरी तरफ है, ये पानी के ऊपर से मूव कर रहा हूँ, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का बहुत एंजॉय किया है, ऐसा तो एक्सपीरियंस पहला है, और बड़ा आपको भी करना चाहिए ज़िंदगी का, डर नहीं है, जब आप मूव करते हैं तो आपका डर ख़त्म हो जाता है, ये पहला एक्सपीरियंस था, ज़बरदस्त, डर लेते कितने लोग आ रहे हैं, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जी, ये एक तरह से आपका डर ख़त्म करने के लिए एक चीज़ है, और ऊँचाई से गहराई की तरफ आना, इनके पास है वैसे आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी, अभी जीप पे सवारी होने लगी है, ये
मैदानी इलाका है, यहाँ से अब जीप पे हम जाएंगे, मूव कर रहे हैं यहाँ पे जीप पे। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ये। हाँ जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ जी तैमूर, बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं खुद एविएशन से हूँ और डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने एक्सपोजर किए हुए, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्स्टिकल्स के ऊपर हम लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट मजा है। मजा आप बताएं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप तो बहुत डर रहे थे और मेरे में लगने वाले थे साथ साथ। आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं वीडियो बनाने के उससे निकला था लेकिन वीडियो भूल गया। जी ये एक नया एक्सपीरियंस। इसके अलावा ये आप जीप पे हम सफ़र कर रहे हैं और ये मैदानी आप कह लें पीले और रेतले और आप कह सकते हैं चट्टानों टाइप जो जगह है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ से हम नीचे आए हैं। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। खुदाई के लिए अच्छे रोड हैं, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, बड़ा मुश्किल है। ये जरा देखें आप कैसे ऊपर मूव कर रहे हैं, ये देखें कितना ऊपर है। यहाँ से चढ़ाई करेगी गाड़ी, उधर से सूरज कितना खूबसूरत मतलब ले रहा है। देख सकते हैं कितनी मुश्किल से गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है। साथ में डर तो नहीं रहे आप? नहीं। अच्छा ओके है। आपने तो सीट को मजबूती से पकड़ लिया है। ड्राइव कार्ड करते ना, हमें नहीं डर लग रहा। शम्सुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये क्या चीज़ है? रुबाब। ये रुबाब बजाते हैं यहाँ पे। हम इस वक्त यहाँ पे जिप लाइन पे मौजूद हैं झेलम दीना में और एक टूर पे आए थे, तो एंजॉय करते हैं, देखते हैं क्या सलाहियत है इनकी। अगर जी सुनाएं जरा आप हमें क्या आपकी सलाहियत है। जी आज आपको किला रोहतास यहाँ पे विज़िट करवाया। आखिरी बात जो मैं दो आपके साथ करना चाहूँगा, इस किले को विज़िट करने के बाद जो मैं आप तक मैसेज पहुँचाना चाहूँगा, वो मैसेज ये है कि देखें तारीख़ में वो लोग ज़िंदा रह जाते हैं जो जुरत व बहादुरी और अपनी शुजात के ज़रिए जो है तारीख़ में नाम पैदा करते हैं। आज अगर लोग यहाँ पे इस किले को विज़िट कर रहे हैं, यहाँ सैर व तफरी लोग तस्वीरें ले रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी जुर्रत और बहादुरी के साथ एक तारीख़ रकम की। दूसरी बात ये कि ये देखें कितनी बड़ी सल्तनत थी यहाँ पे, एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बादशाहत थी, लोग उनके नीचे ग़ुलाम थे
एक बहुत बड़ी सल्तनत की हदूद थी, सारा कुछ था। लेकिन तारीख़ में बहुत से बादशाह आए, सल्तनत कायम हुई, वक्त के साथ सब कुछ जो है ना फ़ानी है। एक ही सल्तनत है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिसकी ज़ात ने पूरे कायनात के निज़ाम को चलाया हुआ है। तो तारीख गवाह है इस चीज़ की। तो हमें भी इन चीज़ों से इबरत भी हासिल करनी चाहिए कि जो लोग इक्तदार पे होते हैं, दुनिया की सल्तनत को चलाते हैं, तो ये दायमी नहीं है, ये वक्ती है। वक्त के साथ इस दुनिया से आपने भी रुखसत हो जाना है। और तारीख हमेशा उन लोगों को ज़िंदा रखती है जो कि तारीख में अपनी कोई अच्छी पहचान बना के जाते हैं। ये मेरा मैसेज था आज के इस सैर व तफरी के साथ। शुक्रिया।